मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ नहीं, कहा नहीं, 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 हम जाएंगे। जाओ, हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। खैर इरफान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन है? हम वकील है। अभी अभी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे काम आ गए। ऐसे ही होता है साहब। जानवरों का कौन सा वकील होता है, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं? बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है, ऐसे पढ़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी क्या होती है घोड़ी? घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ लो। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए। कोर्ट बंद था ना साहब, आप क्या दीवारों में सर मार देते दादाजी? ये चल रहा है, ये घोड़ा। आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पांस मिल रहा है, दौड़ने दीजिए घोड़े को। आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी क्या साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी मेरे काबिल दोस्त मेरे मामू से केस जलूल जलूल करवाना। ये क्या है? ये विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल, आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहां से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब, किसी ने फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? कमाल। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है, हमारी बातें चल चल। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, पान जी, कैसा है आप लोग? बढ़िया, मजा आ गया आप लोगों को देख के। सचिन जी, जिगर जी, हाय, व्हाट इज अप? योर चुटिया इज अप। इसको नीचे तेल लगा के थोड़ा सीधा करो, इसको इतनी अकड़ क्यों है इसमें? अरे यार क्या पहन के घूम रहा है? थोड़ा इंटरव्यू को रोकिए यार, दिमाग का थोड़ा विस्तार कीजिए। इट इज पोशाक ऑफ सुपर हीरो, यू डोंट नो। अरे चलिए रहने दीजिए, रुक जाइए जरा, ये सारी बातें आपको बता के, मेहमान आए चार बातें तो करने दीजिए यार। सचिन जी एक बात बताइए, आपसे तो बड़े से बड़ा काम हो जाता होगा ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए जिगर चाहिए, इनके पास इतना बड़ा जिगर है यार।
ऐसा हमारा ना जोक्स निकल जाता है कभी कभी ऐसा. अब गा रहे थे अभी, चार बज गए पार्टी, चार बज गए पार्टी बाकी है. आप एक काम कीजिए, पार्टी में सिद्धू जी को ले लीजिए. नहीं 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 सच के, अरे भाई हम खाली बता रहे हैं, इनको एक बार ले लीजिए पार्टी में, फिर पार्टी बाकी नहीं रहेगा. हर पार्टी को कंप्लीट करता है एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू. वैसे दीपक जी, यार आपके नीचे तो बहुत उजाला है. नहीं नहीं दीपक तले अंधेरा क्यों कहते हैं यार. खाली ऐसा जोक्स में बोल दिए, मजा आता है थोड़ा ना, ऐसा माहौल बनता है थोड़ा माहौल. इरफान जी, कमिंग टू यू सर. सर आपने जो हॉलीवुड में अपना ये फिल्म किया स्पाइडरमैन वाला, हमने देखा. रॉन्ग कास्टिंग थी वो. अरे नहीं नहीं सर ऐसा फिर? अरे नहीं कास्टिंग तो आज समझ में आई है उसकी. लीजिए, आते ही हमारे तारीफ के पुल बांध रहे हैं यार. लेकिन तो आधा स्पाइडरमैन है और नीचे से लुंगी टाइट है, क्या चक्कर है? इट्स कॉल्ड स्वैग. वैसे नहीं, आपका वो ना हॉलीवुड वाला स्पाइडरमैन हमने देखा, आपने पूरा का पूरा फिल्म ना गलती से अंग्रेजी में बना दिया. अभी क्या है कि ही सी इट द देन, इतना अंग्रेजी हमें भी आता है. इसके आगे चला जाता ना, थोड़ा ऊपर से जाता है. तो हमने डिसाइड किया है कि हम भोजपुरी में यही फिल्म बनाएंगे. मकड़ी मानव का चलचित्र बनाएगा बच्चा यादव. बच्चा स्पाइडरमैन ये धोती तो कभी नहीं पहनता, धोती क्यों पहनी तूने? लैंडिंग में क्या है, ऐसा थोड़ा हवा जाता है तो लैंडिंग आसान हो जाता है. ऐसा स्पाइडरमैन का जुप करके ऊपर जाता है, फिर धोती रहेगा तो नीचे आने में. ऐसा थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो जाता है, मजा आता है. इरफान जी, आपने ऐसा हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, हर जगह काम किया, भोजपुरी में ऐसा मौका मिला नहीं है. नॉट टू वरी सर, हम खड़े हैं सामने. हम आपको भोजपुरी अपनी जो फिल्म है मकड़ी मानव, उसमें एज विलन साइन करवाएंगे. देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम चाह कर भी विलन का रोल कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्यूट निकल गए हैं. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. क्या करें यार, लेडी जैसा कहती है हमें सब. तो हम कह रहे थे कि आप तो विलन रहेंगे आप फिल्म पे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हीरोइन जो है ना वो आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि आपने उसको कब्जे में करके रखा है, हमको उसको बचाना है. फिर फिल्म के अंत में आपका निर्णय रहेगा, आपको छोड़ना है छोड़िए, नहीं छोड़ना है मत छोड़िए, हीरोइन जरूरी नहीं है, आप फिल्म में होने चाहिए बस. तो कैसे बनाएगा, उसके लिए तो राइट्स लेने पड़ते हैं. लीजिए यार, कच्ची गोलियां खेली है क्या हमने? कमाल कर रहे हैं, हमने फ्रेंचाइजी लिया है फिल्म का. अच्छा? हाँ हाँ, ये देखिए ना, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं. साथ में लेके फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी जब तक माना नहीं जाएगा जब तक कि आप इसका इस्तेमाल करके नहीं दिखाएंगे. इस्तेमाल किया तभी तो इतनी बड़ी, पहले तो इतनी थी. उसका फ्रेंच इसने फाड़ दिया सारा यार. ए बच्चा पहनना कच्चा. ठीक है, एक अटेम्प्ट करके देखते हैं. हाँ, हाँ, ऑन पब्लिक डिमांड. लोग इतना प्यार देते ना, हम सब भूल जाते हैं. मजा आया वैसे यार. तुम्हारी फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? अरे म्यूजिक में अपने वो बी आर रहमान जी. बी आर रहमान नहीं, ए आर रहमान. नहीं नहीं, ए तो माने नहीं ना, तो हमने ऑप्शन बी चूज कर लिया. तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सी डी भी है. कोई नहीं मानेगा तो सी डी बजा देंगे गाने का पूरी पिक्चर में हम. और फिल्म में हमने सोचा दो रोमांटिक गाने होंगे, बिटवीन द विलन एंड द हीरोइन. फिर देखिए दो गाने में अगर हीरोइन मान गई तो मान गई, वरना उसके बाद जबरदस्ती तो विलन कर ही लेता है यार, उस पे क्या, यू नो बेटर. और फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रहेगा जो सिद्धू जी करेंगे. सिद्धू जी आइटम सॉन्ग क्यों करेंगे? अरे ये बात इनको समझाइए यार, हम भी कब से समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहे.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.